डायग्राम बिलो शोज द प्रोपगेशन ऑफ वेव विच पॉइंट्स आर इन सेम फेज। हमारे पास अगर तो ये ट्रांसफर वेव है तो ट्रांसफर वेव में हर वो दो पॉइंट्स जिनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो लैम्डा होगा, वो पॉइंट्स क्या होंगे, वो इन फेज होंगे। ट्रांसफर वेव है तो हर वो दो पॉइंट्स जिनके दरमियान डिस्टेंस क्या होगा, लैम्डा, वो पॉइंट्स क्या होंगे, इन फेज। तो इस वेव में अगर आप देखें तो पॉइंट बी और पॉइंट एफ इन दोनों के दरमियान अगर आप डिस्टेंस को देखेंगे तो वो क्या है, वो लैम्डा। इनकी पीरियोडिक मोशन एक जैसी है, तो अगर पीरियोडिक मोशन एक जैसी है तो पॉइंट बी एंड एफ दे आर इन फेज। इसको आप यूं भी याद रख सकते हैं कि अगर हमारे पास दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस लैम्डा हो, टू लैम्डा हो, थ्री लैम्डा हो एंड सो ऑन, या यूं कह सकते हैं कि दो पॉइंट्स के दरमियान जो पाथ डिफरेंस है वो एन लैम्डा, और जो एन की वैल्यू हमारे पास है वो क्या हो, जीरो, वन, टू, थ्री एंड सो ऑन, तो ये तमाम पॉइंट्स जो होंगे ये पॉइंट्स क्या होंगे, ये इन फेज होंगे। और अगर ये इन टर्म्स ऑफ लैम्डा बाय टू हो, लैम्डा बाय टू, थ्री लैम्डा बाय टू, फाइव लैम्डा बाय टू, हाफ वेव का डिफरेंस आ रहा हो, वन एंड हाफ वेव का डिफरेंस आ रहा हो, तो फिर ये पॉइंट आउट ऑफ फेज होंगे। तो यहाँ कौन से पॉइंट इन फेज हैं, वो बी और एफ हैं। इनके अलावा आप कोई भी और पॉइंट देखें तो उनके दरमियान जो डिस्टेंस हमारे पास है वो लैम्डा के इक्वल नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, वो डेल्टा होगा, बी एंड एफ। क्लियर होगी बात? तो हमें पता होना चाहिए कि अगर तो हमारे पास जो डिस्टेंस है वो इन टर्म्स ऑफ लैम्डा है, चाहे लैम्डा, चाहे टू लैम्डा, चाहे थ्री लैम्डा, तो फिर ये पॉइंट क्या होंगे, ये इन फेज होंगे। और अगर इन टर्म्स ऑफ लैम्डा बाय टू हो, वन लैम्डा बाय टू, थ्री लैम्डा बाय टू, फाइव लैम्डा बाय टू, सेवन लैम्डा बाय टू, तो फिर ये पॉइंट आउट ऑफ फेज होंगे। यहां मैं एक पॉइंट बताता जाऊं आपको स्टेशनरी वेव के हवाले से कि स्टेशनरी वेव के अंदर ऐसा नहीं होता। ये पॉइंट याद रखना आप लोगों ने कि स्टेशनरी वेव्स के अंदर अगर हमसे पूछा जाए कि इन फेज कौन से पॉइंट होते हैं, तो याद रखें कि हमारे पास नोड्स के दरमियान जो पॉइंट होते हैं, दो जो कंजेक्टिव नोड्स होंगे, इन तमाम पॉइंट्स के, इनके दरमियान जो पॉइंट्स होंगे ये इन फेज होंगे, इन फेज पॉइंट्स बिटवीन कंजेक्टिव नोड्स, ये सारे के सारे इन फेज होते हैं। तो यहां पर ये रूल अप्लाई नहीं करना लैम्डा और लैम्डा बाय टू वाला, इस चीज का ख्याल रखना है कि स्टेशनरी वेव में वो तमाम पॉइंट्स जो बिटवीन टू नोड्स होंगे वो इन फेज होंगे, लेकिन अगर दो एंटी नोड्स के दरमियान होंगे वो इन फेज नहीं होंगे, वो आउट ऑफ फेज होंगे।